फरीदाबाद के सेक्टर 7 पार्क में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश डेड बॉडी को सिविल अस्पताल बादशाह खान भेजा गया। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। सीबीआई स्थानीय पुलिस चौकी सेक्टर 7 की पुलिस मौके पर मौजूद व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद। फिलहाल डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। एसएचओ साहब, सेक्टर 7 में एक युवती की लाश मिली है, किन हालात में मिली, कौन सी जगह मिली है? ये सेक्टर 7 गुरुद्वारे की बैक साइड में बंद गली है। शाम करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि एक औरत की लाश पड़ी हुई है। जो हम मौके पर पहुंचे तो लाश वहाँ पे एक करीब करीब 30 साल की उम्र की औरत थी। वो शर्मे उसको हल्की सी चोट लगी पाई गई और ऊपर उसका जो नीचे से वो नंगी थी, ऊपर से उसने सूट पहना हुआ था और उसका अभी तक पहचान हुई नहीं है। बट उसकी पहचान के लिए हमने काफ़ी टीमें लगाई हुई हैं। सारा फरीदाबाद की जो सीआईए क्राइम और चौकी जो थाने हैं उनकी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही हम इसकी आइडेंटिफाइड करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होलिये से कैसे लगती है कि होलिये से इसके राइट हैंड पे बाजू पे RM लिखा हुआ है और बाजू के फ्रंट सामने की तरफ है 3 स्टार हैं और दोनों हाथों की पुश्त पर सुरमा से ओम गुदा हुआ है और कानों में और नाक में आर्टिफिशियल बाली वगैरह। और जिस तरह के बता रहे हैं कि कुछ गलत हरकत भी हुई है लड़की नहीं, के वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया है। धारा 302-376 की हमने ऑलरेडी लगा दी है। हो सकता है कि इसके साथ कोई इस तरह की कोई बात हुई हो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बताया सूचना ये भी है कि गुप्तांग में किसी तरह की छेड़छाड़, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा क्या। ठीक। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।